इंदौर में 8 दिन पूर्व शिवसेना के कार्यकर्ताओं को दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर घायल हो गया था। वहीं अब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने पुलिस उपायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल शिवसेना के कार्यकर्ता जीतू बाबा को कुछ दिन पूर्व पलासा थाना क्षेत्र में दूध व्यापारी ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, जिसको सिर में रॉड मारने से उसका जबड़ा टूट गया। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज पुलिस उपायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जय भारत। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जीतू बाबा जो हैं शिवसेना के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और इन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा हमेशा हर गरीब छोटे बड़े हर इंसान को काम आते गए। लेकिन इन पे जानलेवा जो घातक हमला किया गया है, उस हमले की रिकॉर्ड में मैं आईजी साहब से भी मिला हूँ, डीएसपी साहब से मिले और अभी कार्रवाई की आश्वासन दिया है। उनके सर में लगी बहुत भयानक चोट, एक राड यहाँ लगी, जरा सी गाड़ी चल रही थी, छोटी मोटी विवाद वाली बात होती, गाली गुपचा होता तो चलो बात मिलता, उनको यहाँ मारी, यहाँ मारने के बाद एक राड पार मारी, दूसरी राड पूरा जाबड़ा टूट गया, पूरा पूरा फट गया है। और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन से सिर्फ आश्वासन 6 दिन से सिर्फ यही मिल रहा था कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। यदि हमारे संगठन, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्र श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से मैं राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा और साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ध्वज विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूँ, यदि प्रशासन ने यदि कार्रवाई नहीं की तो उस आरोपी को हम कोई नहीं छोड़ेंगे। जब हम यदि इस बात पे आए, यदि हमने किसी बच्चे के यदि मारपीट या जरा से गाली गुपचा भी होता है तो हमको एसटी या जीएसटी क्या क्या लगा के उठा के अंदर कर देते, किसी भी एक्ट में बगैर छानबीन करके अंदर कर देते। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई और फिर भी पुलिस प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन 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 दे रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने वो कहीं यहीं पर कहीं लसुकां के वो भूखी गाड़ी वाला दूध का वाहन चलाता है और उसकी दूध की वाहन की गाड़ी अंदर रखी हुई है, दूध की गाड़ी अंदर रखी हुई, उसके बाद अंदर रखने के बाद वो आज खुल्लम खुल्ला दूध बेच रहा, दूसरी गाड़ी से कार्रवाई कर रहा है, उसकी गाड़ी में क्या क्या हथियार होता है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को ये अभियान चलाना चाहिए, दूध वाले ऐसे कोई काम करते गाड़ियाँ चेक करनी चाहिए। रॉड किस लिए रखते हैं, क्या मारपीट के लिए रोड रखी जाती है क्या? आज आप यहाँ पर आए हैं क्या? आईजी साहब से मिलने गए थे, आईजी साहब ने आश्वासन दिया, आईजी साहब ने ही बोला कि यहाँ भदौरिया साहब से मिलो, सबसे मेरी बातचीत हो गई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। अभी मेरे सामने टीआई साहब को भी आदेश कर रहे हैं और वो कुछ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 6 दिन हो गए, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये प्लासिया थाने का मैटर, प्लासिया थाना का मैटर है और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ ये गंभीर मामला है, या तो इस पर किसी राजनीतिक का मुद्दा दबाव पड़ रहा है तो हमें बताएं भाई, हम बात करें। यदि किसी पे, यदि हमारे पे, किसी बच्चे पे, आप पे, किसी परिवार पे यदि इतना बड़ा जानलेवा हमला होता तो वो तो बच्चे कैसे, मेरे को तो ईश्वर की परमात्मा की देन से मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि उनके हैरान हो रहा हूँ कि उनके राड यहाँ पड़ी, पूरा जाबड़ा टूट चुका है। देखो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, मीडिया को देखिए जरा, ये आप ये यहाँ पे देखिए, गौर से देख रही है, यहाँ पे पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। इसके साथ मेरे मैं कुछ फोटोज ऐसे दिखाता हूँ जो यहाँ रॉड पे लगी हुई है। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ध्वज विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।